अमेरिका के शाहजहां ने अपने मुमताज के लिए खुद को गंगा की सफाई में झोंका। देखिए कैसे अपनी पत्नी की ख्वाहिश पूरा करने के लिए अमेरिका से इंडिया के गंगा तट तक आए मौजी जिबमैन गंगा कभी मैली ना हो इस पर कर रहे हैं शोध। उस रात सिल्विया बिल्कुल गुमसुम और खामोश लेटी पड़ी थी। बगल में ही पति मौजी जिबमैन ने जब उन्हें छुआ और टोका तो पूछने पर सिल्विया के मुख से हौले से सिर्फ इतना निकला कि सुना है मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में प्यार की खूबसूरत निशानी ताजमहल बनवा दी, तुम मेरे लिए क्या करोगे। पति कुछ पल उसे निहारता रहा, सुनता रहा और फिर कहा, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तब सिल्विया ने कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि जब मैं मरूं तो मेरी अस्थि भारत की पवित्र गंगा नदी में ही प्रवाहित करना। हाँ, एक बात का ख्याल रखना कि गंगा कभी मैली ना हो। पत्नी की आखिरी ख्वाहिश पूरा करने के इरादे से अमेरिका के मौजी जिबमैन इंडिया आते हैं। पत्नी की अस्थि को वाराणसी में गंगा में पूरी आस्था के साथ प्रवाहित करते हैं। वहीं अपने जिगरी दोस्त विवेक प्रसाद के साथ इस शोध में लग गए हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि गंगा कभी मैली ना हो। साफ सफाई से लेकर बहती गंगा की धारा कहीं रुके नहीं, इस पर मौजी ने काम करना शुरू कर दिया है। इस काम में खर्च कितना होगा और कहां से आएगा इसकी उन्हें परवाह नहीं। उनका सिर्फ इतना कहना है कि सबका साथ रहा तो ये असंभव नहीं। मौजी जिबमैन अमेरिकी सैन्य उच्च अधिकारी रहे हैं। अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले मौजी अपने सेवा काल के दौरान 47 देशों की यात्रा कर चुके हैं। वो 6 भाषाओं के जानकार है। वो जॉर्ज मेसन विश्वविद्यालय में PhD शोधकर्ता है। उन्होंने कहा कि पत्नी की इच्छा और उनकी अस्थियों के गंगा में विसर्जन के बाद भारत और गंगा से उनका स्वतः जुड़ाव हो गया। पत्नी तो नहीं रही लेकिन गंगा के प्रति उनकी आस्था ने उन्हें भी आस्थावान बना दिया। मौजी की पत्नी सिल्विया इंग्लैंड में पली बड़ी थी लेकिन भारतीय संस्कृति के प्रति उनका गहरा लगाव शुरू से ही था। मौजी कहते हैं, गंगा को पहली बार देखने के बाद इसमें फैली गंदगी से मुझे दुख हुआ और रिटायरमेंट के बाद मैंने इसकी सफाई में अपने योगदान का संकल्प लिया। मौजी ने बातचीत के क्रम में बताया कि 2019 में रिटायर होने के बाद उन्होंने पर्यावरण विज्ञान में PhD करने की ठानी। उन्हें विश्वास था कि शोध से जो ज्ञान प्राप्त होगा वो गंगा माँ के किनारे रहने वाले और गंगा की सफाई के लिए काम करने वाले लोगों के लिए मूल्यवान होगा। Retired military officer and government employee in the United States. I've traveled to 47 countries, most in government or military service. I speak some of 6 languages and have worked supporting the many people and their Sanskriti and their Sabyuta. I am currently a PhD researcher at George Mason University. I'm working with Dr. Vivek Prasad to mitigate the pollution in the Ganga Mata. My association with the Pavitra Ganga Mata, when I brought the ashes, Ashti Kalash, of my wife Sylvia, who grew up in England and had a strong affinity for the Sanskriti. It was important for her to reach the next step on her yatra. Before she passed, she asked me to take her Ashti Kalash to the Ganga. She was attached to the Sanskriti and felt it was very important to reach the Pavitra Ganga Mata even after she passed. Once I visited the Ganga, I found that the Pavriti Ganga Mata was one of the worst polluted rivers in the world. This led me to believe that after I retired from my professional career, I would spend the rest of my life working to improve conditions and mitigate pollution on the river. In 2019, after I had retired, I found that I could go to school at George Mason University and complete a PhD in environmental science and public policy. I was certain that the knowledge I gained would be valuable for my ability to help the people who live and work near the Ganga Mata. I learned that the people and the river discharges more than 6 billion liters of pollutants into the Indian Ocean every day. I also learned that 1,000 people a day die because of the water quality of the river. Out of the 400 million that live along the river or its tributaries, I became very motivated to help the people who rely on the river
I was also inspired by the devotion my wife had to the Ganga Mata and how important the movement of her Ashti Kalash was to her. All that I experienced proved to me that it was important to help the Sabyuta along the Pavita Ganga Mata. Well, if my wife cared so much and many foreigners care to help, I believed all people should care who live and love the Pavita Ganga Mata too. The Pavita Ganga Mata is threatened and has negative impacts on all who live near or visit it. It is critical for all of us to consider if there is anything we can do to help. I hope to help and would like your help when I visit. Thank you. कोहराम लाइव के लिए एडिटर इन चीफ नीरज ठाकुर और प्रिया की रिपोर्ट।